नमस्कार, आप देख रहे हैं वन न्यूज और आपके साथ मैं हूं आशीष तिवारी। बुलेटिन में सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। दुनिया भर में कोरोना का कोहराम जारी, कोरोना संक्रमितों की संख्या 32 लाख के पार, तो 2,33,000 से ज्यादा कोरोना मरीजों ने गंवाई जान, 10 लाख से ज्यादा मरीज इलाज के बाद हुए स्वस्थ। भारत में भी बढ़ रहा कोरोना का ग्राफ, संक्रमित मरीजों की संख्या 35,000 के पार, वहीं अब तक 1,147 लोगों ने गंवाई जान तो 8,000 से ज्यादा पॉजिटिव इलाज के बाद हुए स्वस्थ। कोरोना को लेकर पीएम मोदी ने ली उच्च स्तरीय बैठक, लॉकडाउन को लेकर बड़े फैसले की उम्मीद, गृहमंत्री अमित शाह, रेल मंत्री पीयूष गोयल भी बैठक में हुए शामिल। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस पर लॉकडाउन में फंसे मजदूरों की घर वापसी, दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों को वापस लाने में जुटे राज्य, तो सीएम गहलोत ने ट्वीट कर दी शुभकामनाएं। राजस्थान में भी कोरोना का कहर जारी, कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या हुई 2600 के पार, तो अब तक प्रदेश में कोरोना से 61 लोगों की हुई मौत, वहीं 900 कोरोना पॉजिटिव इलाज के बाद हुए स्वस्थ।